शिक्षा थाने भिलाई में अपनी शैक्षणिक संस्था का लोहा मनवा चुकी संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के प्रबंधन द्वारा इन दिनों अपनी संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने के लिए नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक क्षमता को बढ़ा सके। इसी कड़ी में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा गत दिनों विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन हेतु अपने ही संस्था की पूर्व छात्रा, जो आज मेडिकल के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुकी है, उन्हें संस्था में आमंत्रित कर उनके सफलता के अनुभवों को विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। मोटिवेशन के लिए देता है, हमको पढ़ना है अपने हिसाब से, अपने आप को इम्प्रूव कर। आपका कॉम्पिटिशन अभी सिर्फ आपसे, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे, अगर फोकस आप ठीक से कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेहनत और लगन के साथ अगर उचित मार्गदर्शन हो तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभावों से जूझकर भी सही मार्गदर्शन में सफलता का परचम वही लहरा सकता है जो अभावों की कीमत जानता हो। और ऐसे कई विद्यार्थी जो सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मंजिल तक पहुंचाने वाला कोचिंग संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज अपनी महती भूमिका इसमें निभा भी रहा है। और संघर्षों से जूझ रहे विद्यार्थियों को उचित प्रशिक्षण और बेहतर मार्गदर्शन दे उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। एक पहल अंचल के शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने की है वो ये कि अपने ही संस्थान के पास आउट विद्यार्थी जो आज विभिन्न स्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें संस्था में मुख्य अतिथि बनाकर अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज कर रहा है। और इस वर्ष सीजन 1 की टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने पूर्व छात्रा मनीषा चंदेल अपने संस्थान पहुंची। बाहरी आवश्यकता नहीं होती, जैसे बोले ना मेरे को ये सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा होनी चाहिए। आपके सामने अभी आने वाले समय में मई 2025 का एग्जाम है, अगर फोकस आप ठीक से कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है सिलेक्शन में। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है मनीषा के जैसे, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयां ली जिसका कोई हिसाब नहीं, और अभी भी देखो ये कह रहे हैं कि मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूँ। इस वर्ष की पहली टेस्ट श्रृंखला में प्रमुख रूप से पहुंची मनीषा चंदेल के संघर्षों को बयां करता चलचित्र विद्यार्थियों को दिखाया गया। बताना चाहेंगे डॉक्टर मनीषा चंदेल 2016 बैच की छात्रा रही है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से पास आउट मनीषा वर्तमान में स्मृति नगर भिलाई में ESIC हॉस्पिटल में सीनियर रेसिडेंट है। अपने संस्थान में मुख्य अतिथि बनना मनीषा के लिए बहुत ही खुशी और यादगार पल रहा। यहाँ विद्यार्थियों के अनसुलझे सवालों का जवाब देती मनीषा उनमें उत्साह का संचार करती नजर आई। कुछ लोग होते हैं मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फिर दुनियादारी देखते हैं कि अरे ये तो ये कास्ट की थी, इसका तो इतना रैंक था, हमको इतना रैंक लाना है, तब होगा ये होगा, ऐसा नहीं। वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए रहता है, हमको पढ़ना है अपने हिसाब से, अपने आप को इम्प्रूव करना है, दूसरों के हिसाब से नहीं। आपका कॉम्पिटिशन अभी सिर्फ आपसे, आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा अपने में इम्प्रूवमेंट लाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा आपको। अपने ही संस्थान जहां से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर मनीषा ने सफलता हासिल की है, यहां पहुंचने का अनुभव मनीषा ने हमसे साझा किया। तो वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर के मार्गदर्शन को उसने काफी बेहतर बताया। बहुत सालों बाद यहां आई, आके बहुत अच्छा लगा, सारे टीचर से मिलके, बच्चों से मिलके, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। सभी ने पढ़ाई से रिलेटेड अपने अपने सवाल पूछे जिसका मैंने जवाब दिया। सारे बच्चों के आंखों में उत्साह दिख रहा था कि कल को हम भी यहाँ होंगे जी। जब मैं सबसे पहले जैन सर से मिली थी
तो सर ने देखते ही क्या कहा कि तुमसे होगा तुम्हें वो बात है, तुम्हें वो दिखाई देती है। वो बात मुझे हमेशा याद है, सर हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि कुछ तो बात है, तुमसे हो जाएगा। तो क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा धन्यवाद करती रहूँगी सचदेवन यूपीटी कॉलेज का। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे आज डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, सब कॉलेज जैन सर की वजह से। संस्थान के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी इस अनूठे पहल के उद्देश्य को बताया। देखिए, इस वर्ष की टेस्ट सीरीज का ये पहला प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, और डॉक्टर मनीषा चंदेल जो कि सीनियर रेजिडेंट ESIC में, जो 2016 बैच के हमारे स्टूडेंट रही हैं, वो आज मुख्य अतिथि के रूप में आई है। तो मनीषा से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उनके पिछले जो संघर्ष की कहानियां हैं और कैसे प्रिंसिपल सर HS वर्मा जी ने आगे बढ़कर इनको मदद की, कैसे ये जुड़ी हमसे, कैसे सिलेक्ट हुई, और अब होते होते आज की डेट में अब ये ESIC में सीनियर रेजिडेंट बन गई है। मतलब सबसे पहले तो किसी बात के, किसी सफलता के होने की संभावनाओं में भरोसा दिलाया जाए। अगर उनकी उसकी संभावना दिखती है किसी बच्चे को, तो निश्चित तौर पर वो पूरी ताकत लगा देता है। हम ही अपने जीवन में देखें, जिस बात का हमें पूरा भरोसा रहता है कि हो सकता है, ये कर सकते हैं, हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो ये जो संभावनाएं दिखाने का कार्य है कि जो तुम्हारे से भी कमजोर परिस्थिति के बच्चे हैं, अगर वो सेलेक्ट हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे, अब हर बच्चा पूर्णतः सक्सेस लेने में सक्षम है, किसी बच्चे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ होने का भरोसा जो है, उसका सफल होने का भरोसा, वो उसको दिलाना आवश्यक है। और जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं, हमारे पुराने छात्र, पूर्व छात्र, ये उनको ये बात से बिल्कुल बखूबी एहसास दिला सकते हैं कि भाई मेरा हो सकता है, तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता। मैं आज इस स्थिति में सेलेक्ट होके हूँ, जब मेरी संघर्ष की स्थिति थी तो तुम तो उससे बहुत बेहतर स्थिति में। तो कहीं भी सफलता का एक ही पैमाना है, उसकी सफल होने की संभावनाओं में पूरा भरोसा। दर्शक दीर्घा में बैठे विद्यार्थियों ने मंच तक का सफर मनीषा को तय करते देखा। उसके इस सफर और संघर्षों की कहानी देख विद्यार्थी भी काफी उत्साहित हुए। मेरा नाम शैलबाला गंजीर है और मैं बालोद जिले से हूँ, और आज मनीषा चंदेल मैम का हम लोग वीडियो देखे, और वो मैम खुद भी आई थी यहाँ पर, और उनको देखकर हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि हम उनके जैसा बन पाए, उनके जैसा अच्छा बिहेवियर रख पाए, और उनके मुकाम जैसा वो पहुँची है वैसा पहुँच पाए वहाँ तक। सर, जीवन UPT कॉलेज में तुम कोचिंग करती हो और अक्सर देखा है रिजल्ट तुम्हारा बहुत ही अच्छा रहता है, क्या कहना चाहोगे यहाँ की पढ़ाई के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ के सारे टीचर्स हम लोग का डाउट क्लियर करते हैं और हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं, हर तरह से हम लोग को हेल्प करते हैं, और यहाँ के टेस्ट सीरीज भी हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। आज फर्स्ट टेस्ट सीरीज के आज टेस्ट के रिजल्ट आउट हुए थे, तो उसमें हमें मनीषा दीदी जो हमारी एक सीनियर हैं वो हमें अवार्ड देने के लिए आई थी, और हमने उनके आने के पहले उनकी एक वीडियो देखी थी जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, और लगा कि वो इतनी मुश्किल परिस्थिति से निकल के आज इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई हैं, तो हम भी आगे जाके वैसे बन सकें और वापस यहाँ पे आएँ। यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी होती है, और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमें, कभी भी हमारा मोटिवेशन डाउन नहीं होने देते हैं। और स्पेशली जैन सर की बात की जाए तो वो हमेशा हमें एक बात तो हमेशा कहते हैं कि गलतियों से कभी भी डरना मत, और गलतियाँ करो तो उससे खुश हो कि हमारे पास इतना मौका है और सीखने का। अगर गलतियाँ कम करोगे तो सीखने के मौके भी कम रहेंगे, और गलतियाँ अगर ज़्यादा हो रही हैं तो उनसे सीखने का मौका भी ज़्यादा रहेगा, बस उन गलतियों को दोहराना मत। तो ये बात मुझे सर की बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि मैं कभी भी डरूँ ना टेस्ट में, अगर मेरे कम मार्क्स भी आएँ, ज़्यादा मार्क्स भी आएँ, तो मैं किसी चीज़ से घबराऊँ मत।
ठीक। कोशिश कर अभी उड़ान बाकी है, पंख और फहरा अभी आसमान बाकी है। ये सत्य है कि राहगीर को सही राह दिखाई जाए तो मंजिल जरूर हासिल होती है। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज भी विद्यार्थी मार्गदर्शन देने का जो कार्य कर रहा है, निश्चित ही विद्यार्थियों के लिए ये मील का पत्थर साबित हो रहा है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।